हाँ दोस्तों, बने रहियो। हम इसको ये रसायन वाइपर लाए पकड़ करके। अब इसको हम रिलीज करना है तो हम देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं ये किस तरह से जंप मार कर काटता है। ये भाग कर नहीं काटता दोस्तों, एक जगह बैठा बैठा ही जंप मार कर मुंह मार देता है। तो अब जो है आप नजरें बनाए रखना और हम आपको इसका जो दिखाते हैं काटने का तरीका क्या है इसका। देखना रहा दोस्तों, नजरें बनाए रखना। अभी दोस्तों सरमारिया है ये, दोस्तों मुझे भी झटका लग रहा है, डर के मारो। डबल गांठ मारूंगा यार, सिंगल गांठ ऐसे लगा दी थी, मन कितना काम हो जाएगा। अभी जरा सर मारिया ना ये, हाँ दोस्तों नजरें बनाए रखना, देखते हैं क्या करता है ये। देखो दोस्तों हुंकार मार दिया है। आहा, ये देखो दोस्तों कैसा मुंह मारा इसने, बुगारा फोड़ दिया है, धुआं वाला नाम तो फोड़ गया। तेरा भला होगा जी। गुरुजी कहाँ पाए जाते हैं ये? अधिक जो है किसानों के खेतों में ज्यादा पाया जाता है ये। इससे हानि क्या है? हानि इससे ये हानि है, और कोई किसान अपने खेत में जा रहा है तो ये घास फूस में बढ़कर बैठ जाता है अपना ढेरी बना करके, और जब वो किसान इसके पास में पहुंचता है तो ये फड़ाक देने मुंह मार देता है। इसके मुंह मारने के भी कई तरीके हैं। अगर ओछा मुंह मार दिया तो जल्दी इलाज हो जाएगा, अगर जबरदस्त मुंह मार दिया तो ये अपने दांत हड्डी पर पजा देता है। इसके दांत बहुत लंबे होते हैं और इसके काटने से जो है सूजन बरम आना शुरू हो जाता है, फिर ये धीरे धीरे लीवर को हार्ट को सब कुछ जो है सीज कर देता है ये। तो इसका जहर जो है धीरे धीरे चढ़ता है, दो तीन दिन तक आदमी बहुत परेशान हो जाता है। हाँ दर्द के साथ दर्द होता, काफी परेशानी पड़ती है। शर्म तो रहा भाई यार, फोड़ ना दबा दब। इसको देसी भाषा कहते हैं, बहुत से धामड़ कह देते हैं, बहुत से चित्ती कह देते हैं, मगर ये रसायन वाइपर है। ये जो है रसायन वाइपर है, ये चित्ती धामड़ नहीं होती है। धामड़ में चित्ती में अंतर होता, चित्ती के अंदर जहर नहीं होता, उसको चित्ती कह देते हैं, धामड़ कहते हैं उसको, जो है पाइथन कह देते हैं उसको, अजगर कहते हैं। वाओ जल्दी बात।